स्टूडेंट वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम न्यू टॉपिक करेंगे। मेन इसका हेडिंग डिफरेंट रहेगा, लेकिन एग्जांपल हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर जहां पर हमने स्किप करा था, ठीक है, छोड़ा था। तो कंटिन्यूटी वहीं से बनी रहेगी। और यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले ऊपर आई बटन में जाइए, वहां पर प्रीवियस वीडियो को देख कर आएंगे, फिर ही आपका एक कनेक्शन बनेगा, ठीक है। जहां पर आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर तीन एग्जांपल करेंगे और एक आर्टिकल की तरह हम जहां पर नॉलेज गेन करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा कंसेप्ट दिया हुआ है कि डेट इज कि हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। जब दो स्फीयर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो आप ध्यान से देखो क्या होगा, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, आप ध्यान से देखो इसके अंदर आपके पास क्या बन रहा है, हमारे पास एक सर्कल बन रहा है। जब भी आपके पास दो स्फीयर इंटरसेक्ट करेंगे, मैंने दो डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम यहाँ से पिक करी है, तो आपके सामने क्या है कि व्हेन टू स्फीयर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो जो भी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यदि इफ वी टेक द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन अगेन वी गेट अ सर्कल। तो कैसा होगा उसके अंदर आपका जो तो डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है आपके पास, ठीक है। और नीचे स्टेटमेंट जो इसका प्रूफ है वहां पर भी हम देखेंगे कि कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले डियर हम दो स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, उनके जनरल इक्वेशन के अंदर कि ये हमारा फर्स्ट स्फीयर है, ये हमारा सेकेंड है। एंड हमें पता है कि यार जो स्फीयर की जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर होती है प्लस वाई स्क्वायर होती है प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू वन एक्स। अभी यू वन यू टू यू वन वी वन डब्ल्यू वन के अंदर करेंगे, फिर हम यू टू बी टू एंड डब्ल्यू टू के अंदर करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपसे बात करूँ, जस्ट कम क्लोजर, आपसे बात करूँ, आपने पढ़ना है, इसे सुस्ती नहीं डालनी, ठीक है, डोंट शो लेजीनेस, थोड़ा सा एक्टिव हो। पहले वाली पूरी प्ले लिस्ट आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है, थोड़ा एक्टिव हो, स्माइल स्माइल करो। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, स्किप मत करना, अच्छे से पूरी पूरी एग्जांपल आपको समझ आएगी, 20 मिनट का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे दोनों के दोनों स्फीयर की इक्वेशन हमने लिख ली। अब जब हम बोलते हैं कि यार दो स्फीयर आपके पास इंटरसेक्ट करेंगे, अब इंटरसेक्ट का मीनिंग वी नीड टू सॉल्व देयर इक्वेशन। जब आप उनको कुछ ना कुछ मतलब प्लस माइनस करने की कोशिश करेंगे, जो भी उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, वेन एवर अ टारगेट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब टारगेट टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। तो हम जहाँ से इक्वेशन नंबर वन के अंदर से टू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे हमने सब्ट्रैक्ट करा तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा डियर, हमारा जो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। जो बच रहे हैं उनके अंदर से टू एक्स कॉमन आ रहा है, टू वाई कॉमन आ रहा है, टू जेड कॉमन आ रहा है, तो हमने लिखा हुआ यहाँ पर टू कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो यू वन माइनस यू टू आ गया, टू कॉमन है, वाई कॉमन है, तो वी वन माइनस वी टू, ऐसे हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अरे वाह, ये इक्वेशन कैसी है। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर वन थी, टू थी, और हमने इनको सॉल्व करके एक अलग से इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब जो जो थर्ड इक्वेशन आ रही है, दिस इज द इक्वेशन, ये एक ऐसी इक्वेशन है जो सिर्फ सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लोकेट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। लेकिन यदि आप बहुत ही ध्यान से प्यार से इसको देखने की कोशिश करेंगे तो डियर हमें ये मिलेगा कि यार ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट डिग्री के अंदर है, इसके अंदर जो एक्स है इसकी पावर वन है, वाई की पावर वन है, जेड की पावर वन है, तो एक कॉन्स्टेंट ही हुआ। तो विंग ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट अ प्लेन, तो ये तो एक प्लेन की इक्वेशन होती है, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड प्लस टी इज इक्वल टू जीरो, या फिर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड सम डी इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। अरे वाह, इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास दो स्फीयर थे और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करा। अब ध्यान से देखना, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर से करा था, इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, एक स्फीयर, और ये हमारे पास प्लेन है जो कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करा। अब डियर यदि आप इक्वेशन नंबर वन को देखते हैं तो उसके साथ भी थ्री चलेगा, इक्वेशन नंबर टू को देखते हैं तो उसके साथ भी थ्री चलेगा, बिकॉज ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों स्फीयर के ऊपर लाई करेंगे। तो एक टाइम के लिए यदि हम इक्वेशन नंबर वन मीन पहले स्फीयर और थर्ड प्लेन की बात करते हैं, तो यदि आप इन दोनों को स्टडी करें तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि जब भी एक स्फीयर और प्लेन एक साथ आते हैं तो वो एक सर्कल को फॉर्म कर देते हैं। तो ऐसे यदि आप स्फीयर टू और थर्ड प्लेन को देखेंगे तो एक हमारे पास सर्कल बनेगा, लेकिन वो सर्कल कॉमन ही रहेगा दोनों के लिए। तो इसीलिए हमने जहाँ पर शो करा कि जब भी आपके पास दो स्फीयर बनते हैं तो आपके पास जहाँ पर एक इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज जो थ्री डायमेंशनल है डायग्राम थोड़ी सी ड्रॉ करनी मुश्किल थी, तो ऐसी हमारे पास बनी है, ठीक है, तो हमारे पास सर्कल बनेगा। तो ये आप लोगों ने फंडा याद रखना कि एक स्फीयर होगा और एक प्लेन, तो सर्कल बनेगा, दो स्फीयर के इंटरसेक्शन से भी हमारे पास क्या बनेगा, सर्कल ही बनेगा। ये आज का टॉपिक था, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यार लोकस जो भी हमारे पास आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर वो क्या होता है, एक सर्कल होता है, इतना टॉपिक रहा। अब आज की एक फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ध्यान से करना, सिंपल सा फंडा है उसके अंदर, ठीक है, बहुत छोटा सा लेक्चर रहेगा आज का हमारे पास। सबसे पहला जो कंसेप्ट मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ वो है हमारे पास कि यह फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल।
अभी तक हमने जितने क्वेश्चन लास्ट में करे थे उसके अंदर हमने सर्कल की इक्वेशन की बात नहीं करी थी। हमें एक स्फीयर एंड एक प्लेन दिया होता था और हम क्या करते थे, उस स्फीयर एंड प्लेन की हेल्प के साथ जो भी सर्कल बनता उस सर्कल का सेंटर एज वेल एज रेडियस निकालते थे। लेकिन आज के इस क्वेश्चन के अंदर उसने पूछ लिया कि यार व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल लाइंग ऑन दिस स्फीयर एंड हैविंग सेंटर। अरे वाह, इसने सिर्फ स्फीयर दिया हुआ, स्फीयर एक स्फीयर दे दिया ठीक है, और जो सर्कल बन रहा है उसका हमें सेंटर दे दिया, प्लेन की बात नहीं करी। अब हमें पता है कि यार जो सर्कल होता है वो कैसे बनता है स्फीयर एंड प्लेन के कंबाइन होने से, इसका मीनिंग इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या निकालेंगे। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल की एग्जैक्ट तो नहीं थी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर आज से दो दिन पहले करा था उसके अंदर आपने देखा था कि जब भी एक स्फीयर की इक्वेशन और एक प्लेन की इक्वेशन दोनों एक साथ आ जाती है कॉमा लगाकर, तो उनकी जो कलेक्शन होती है ठीक है, दोनों की एक साथ कलेक्शन जो लेते हैं दैट रिप्रेजेंट अ सर्कल, तो वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप उसको आपस में सॉल्व करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड टू। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम एंड कैसे करेंगे कि हमें स्फीयर दिया हुआ है, हमें सर्कल का सेंटर दिया हुआ, लेकिन वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो हम इस सिचुएशन को कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे कि यार स्फीयर है, हम कहीं ना कहीं इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और वो प्लेन कैसा होगा, हमें पता कि जो सर्कल बनता है उस प्लेन से बनता है ठीक है, जब प्लेन कट करता है तो सर्कल फॉर्म होता है, तो वो सर्कल जो होगा वो उसी प्लेन के ऊपर लाई करता है ठीक है। तो कहीं ना कहीं यदि हमारा सर्कल प्लेन के ऊपर लाई करता तो इसका मीनिंग जो प्लेन हमारा होगा वो सर्कल के सेंटर से ही पास होता है। अब दिमाग पर जोर देना मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कि यार हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करना, कि हमें प्लेन की इक्वेशन चाहिए और प्लेन और सर्कल, जो सर्कल का प्लेन है वो उसी प्लेन के ऊपर लाई करता है, तो हमारा इसका मीनिंग जो सर्कल का सेंटर होगा उसी से हमारा प्लेन पास करेगा, तो प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है। तो हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, दैट इज प्लेन जब भी आप बनाते हो तो एक नॉर्मल वेक्टर हमें चाहिए होता है, उसकी डायरेक्शन रेशियो जो कि आपका प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। एंड माय डियर फ्रेंड आपको दिख रहा है ना सी ओ, तो सी ओ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसका मीनिंग जो सी ओ के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो हमारे पास एज अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन चल जाएंगे, एंड जो ओ हमारा पास पॉइंट होगा वहां से प्लेन पास करा, तो एक तरह से इक्वेशन ऑफ प्लेन हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो फंडा क्या कि हमने सी ओ के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, एक हमें सी पॉइंट निकालना, तो दिस इज द स्ट्रेटजी हाउ टू थिंक और हाउ टू डिजिट। डायरेक्ट मैंने सॉल्व नहीं कराया, पहले आपको सिंपल समझाने की कोशिश करी है। अब बच्चा लोग इधर आ जाओ, स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको दी गई थी, आपने इसको इक्वेशन नंबर वन मार्कर लिख लेना। अब इसका सेंटर क्या रहता है, सेंटर के लिए हमें यू बी और डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए होती, तो आप इसको जनरल के साथ कंपेयर करेंगे तो यार हमारा टू जो किसके इक्वल आ रहा है माइनस टू के, टू वी की वैल्यू फोर है, टू डब्ल्यू की वैल्यू माइनस सिक्स है, मैंने वो वैल्यूज लिख ली, वहां से हमने यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकाली, और सेंटर होता है माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, हमारे पास सेंटर रहता है ठीक है। अब C की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और O हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 2, 3, माइनस 4। अब जब आपके पास दो पॉइंट होते हैं लाइक आपके पास यार हमारे पास मान लो X1 है, Y1 और Z1 है ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास X2 है, Y2 एंड Z2 है, और यदि आप इन पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो से निकालना चाहते हैं, मतलब यदि आपका ये A पॉइंट और B और आप AV के D रेशियो से निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालते हो, X2 माइनस X1 करके, Y2 माइनस Y1 करके, Z2 माइनस Z1 करके निकाल दो, दैट आर द डी रेशियोज ऑफ CO। तो मैंने लिख दिया कि सेंटर का जो हमारे पास सेंटर ऑफ स्फीयर वो तो हमारा 1 माइनस 2 3 आ गया, और सेंटर ऑफ सर्कल हमें दिया हुआ है तो देयरफॉर डी रेशियोज ऑफ CO। तो अभी मैंने लिखा कि X2 माइनस X1 करके निकाल देना यार, जब जहां से आप 2 के अंदर से 1 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस 2 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, तो 1 5 माइनस 7 आर द डी रेशियोज ऑफ CO हमारे पास हो जाएंगे ठीक है। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CO आर 1 5 एंड माइनस का 7 हो गया ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन देखो, सर्कल इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ सर्कल, हम जब प्लेन की बात करें प्लेन किसका गया, सर्कल का, बिकॉज सर्कल उसी प्लेन के ऊपर लाई करेगा, तो जो वी कैन स्पीक लाइक दिस वन की इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ सर्कल ठीक है, और वो क्या होती है, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस वी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। तो हेयर जो एक्स वन वाई वन और जेड वन होता क्या है, ये वो पॉइंट जिसके अंदर से हमारा प्लेन पास कर रहा है, और ए बी सी हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं दीज आर द डी रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, आई एम रिपीटिंग इट, दीज आर द डी रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, और हमारा जो सी ओ है वो भी हमारे पास क्या परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो हम वहीं से कॉपी कर लेंगे ठीक है। तो डियर जी हमारे पास 1 5 माइनस 7 जी हमारा ए बी सी ट्रीट होगा, तो जहां देखो ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू माइनस 7, और एक्स वन वाई वन जेड वन हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल ट्रीट होगा, सेंटर ऑफ सर्कल जो कि हमारा जे दिया होता 2 दिया होता एंड हमारे पास 3 एंड माइनस
का फोर था, तो मैंने टू पुट कर दिया, थ्री पुट कर दिया, माइनस का फोर था तो हमारे पास प्लस का फोर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम करेंगे तो आपके पास इसको प्रॉपर सॉल्व करने के बाद डियर क्या आ जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्स प्लस फाइव बाई माइनस सेवन जेड माइनस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी। तो डियर जे हमारे पास इक्वेशन और प्लेन आ चुके हैं, ऊपर स्फीयर था जे प्लेन है, और जब आप दोनों को एक साथ लिखेंगे दैट रिप्रेजेंट अ सर्कल डेफिनेटली। तो इक्वेशन ऑफ जब हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो हाउ कैन बी आंसर, इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, इसका आंसर हम इस फॉर्मेशन के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर वन एंड प्लेन टू इज दिस वन, दोनों को लिख दो कॉमास के अंदर, ठीक है। बस इतना ही काम करना, और कोई काम करने की हमें लोड़ नहीं है, तो हमारे पास इस हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल के अंदर जब आप इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड के लिए, तो जो भी इनका रिजल्ट निकल कर आएगा वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो रिजल्ट हमारे पास रहता है। तो हमारा आज का फर्स्ट एग्जांपल जो है सॉल्व हो चुका है। कितने स्टूडेंट है दिल पर हाथ रखकर बताना मेरे को, ठीक है, कि कितनों को जो समझ लग रहा है, और कितने इसको बहुत सीरियसली देख रहे हैं, और कितने इनको शेयर कर रहे हैं। कोई भी कमेंट बॉक्स के अंदर नहीं करने वाला कमेंट, ये सच्ची बात है, लेकिन कोई होता है 100 के अंदर से दो जो सच्चे होते हैं, जो सच में टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं, वो कमेंट कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और आज की सेकंड एग्जांपल देखते हैं क्या है हमारे पास। अरे वाह, इसको तो मैंने सेम एज लिखा हुआ, इसके अंदर क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन विच कट्स दिस स्फीयर, हमारे पास जिस स्फीयर है इन अ सर्कल के अंदर कट कर रहा है, और जिसका सेंटर हमें अल्फा बीटा गामा। अरे वाह, ये तो सेम ही है, इसके अंदर हमें जिस स्फीयर दी हुआ और इस स्फीयर का जो सेंटर होता है हमें पता वो जीरो 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 होता है, ठीक है। सी पॉइंट हमारे पास आ गया, जे हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल दिया और जे हमारा ओ पॉइंट आ चुका है। तो आप सी ओ के यदि डायरेक्शन रेशियो से निकालेंगे तो वो हमारा अल्फा माइनस जीरो, अल्फा बीटा एंड गामा ही आ जाएगा, ठीक है, जे हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास क्या होती है, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन होती है, प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन होती है, प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो होती है। ए बी सी अब कौन ट्रीट होगा हमारे पास, डी रेशियोस जो इसके आ रहे हैं, तो अल्फा आ जाएगा। और एक्स वन वाई वन और जेड वन हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल, वो भी अल्फा बीटा गामा। तो आपके पास एक्स माइनस अल्फा बाहर बीटा आ जाएगा, वाई माइनस बीटा आ जाएगा बाहर गामा आ जाएगा, जेड माइनस गामा इज इक्वल टू जीरो। आप इन इक्वेशन को जैसे ओपन करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। यदि मैं दिखाऊँ तो हमारे पास अल्फा एक्स आ जाएगा, बीटा वाई आ जाएगा, गामा सेट आ जाएगा। फिर जहाँ से माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के बीटा स्क्वायर आ जाएगी, और माइनस के गामा स्क्वायर, जो तीनों के तीनों माइनस आएंगे तो दूसरी तरफ प्लस करके सेंड कर दो, तो दिस विल बी योर आंसर। तो एक दो लाइन के अंदर हम इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप जैसे पहले ऊपर वाले के अंदर हमने करा था वैसा ही आप आंसर देने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, ठीक है, इतना काम आप कर लो। तो ये हमारी आज की सेकेंड एग्जाम्पल थी। मूव टू द थर्ड वन, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन, है तो वो इजी, ठीक है, नो डाउट, लेकिन उसके अंदर मेहनत लगेगी, यदि सॉल्व करके देखेंगे अभी एग्जाम से पहले तभी वो एग्जाम के अंदर प्रूफ कर पाएंगे। आज मूव टू द नेक्स्ट वन, चलो प्यारी सी स्माइल के साथ चलते हैं। इसके अंदर स्टेटमेंट देखो कैसी दी हुई है हमारे पास, कि यार इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, अब सर्कल जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, एक स्फीयर दिया होता है और एक के साथ में प्लेन दिया होता है। स्फीयर एंड प्लेन यदि आपको एज अ कम्बिनेशन मिल जाता है कॉमर्स के साथ, तो दैट रिप्रेजेंट अ सर्कल, वो सर्कल ही कहलाता है। हमें उस सर्कल का रेडियस निकालना, वो कह रहा है कि इफ रेडियस को आप आर मानते हो तो आप इस रिलेशन को प्रूव करो कि यार दिस विल बी द रिलेशन। अब है तो बहुत आसान, हमें सर्कल का जो है रेडियस निकालना आता है। कैसे निकालना आता है कि यार जी मैंने आपके सामने स्फीयर रख लिया, ठीक है, और ये नीचे सर्कल आपका फॉर्म हो रहा विद द हेल्प ऑफ अ प्लेन, ठीक है, जब प्लेन कट करके तो सर्कल आ जाएगा। अब सी हमारे पास सेंटर ऑफ द स्फीयर होता है, पी इज द एनी पॉइंट जो कि आपका सर्कल एज वेल एज स्फीयर के ऊपर लाई करता है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, सी पी हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर होता है। बहुत आसानी से हमें इसका फॉर्मूला पता है, बिकॉज इस केस के अंदर आपको जनरल स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद हमारा सेंटर ऑफ स्फीयर भी हम निकाल लेंगे, सी पी भी निकाल लेंगे, सी से लेकर ओ हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जो कि सी से ओ हम निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी निकाल लेंगे। उसके बाद जो ओ पी हमारे पास है वो हमें आर दिया हुआ है, तो हमने ये तीनों चीज़ों के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगानी, बिकॉज इट इज़ अ राइट एंगल ट्रेंगल। आफ्टर अप्लाइंग द राइट एंगल ट्रेंगल जहाँ पाइथागोरस थ्योरम ऑन दिस वन, हमने सिंपली क्वेश्चन इस वे के अंदर करने की, हमारा जो भी आंसर आएगा उसको इस फॉर्मेशन के अंदर देना। तो ये हाउ टू थिंक, हाउ टू रीच, अब सारी स्ट्रैटेजी बन चुकी है, अब जो भी करेंगे वो सबको समझ लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि यार कि सर आपको तो पता, हमें कैसे पता चलेगा। तो मैंने सब कुछ एक डायग्राम के अंदर आपको बता दिया कि यार जे जे डायग्राम है
सॉरी, इसके अंदर जे पॉइंट हमें गिवन दिए हुए, तो हम ऐसा कर सकते हैं सिंपली पाइथागोरस लगा सकते हैं, और आफ्टर उसके बाद हमारी मेहनत है कि हम सिंप्लीफिकेशन कैसे कर पाते हैं, हम रीअरेंजिंग कैसे कर पाते हैं, वो सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस वन। अब गिवन सफेयर जब आपके पास दिया हो तो ये हमारा जर्नल होता है, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, जर्नल सफेयर का जो सेंटर होता है हम सभी को जानी है कि माइनस सी माइनस बी एंड माइनस डब्ल्यू, और इसका जो रेडियस होता है सीपी जिसको मैं लिख रहा हूँ वो भी हमें फॉर्मूला पता होता है कि अंडरूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होता है। अब ये हमें दो चीज़ें पता चल चुकी है, सी पॉइंट पता है हमें, सी से लेकर पी तक की डिस्टेंस पता। अब सी से लेकर ओ हमने निकालना जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पॉइंट सी का फ्रॉम प्लेन दिस वन जो कि गिवन हमें दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यार जो सी ओ होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी होता है ऑन द गिवन प्लेन एल एक्स प्लस एम ए प्लस एन जेड इज इक्वल टू जीरो, और सी हमारे पास क्या था माइनस यू था माइनस वी था माइनस डब्ल्यू था। और हमें करना तो क्या था, हमें ये फॉर्मूला आप लगा चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे कमल सर के, तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता चल गई होगी। ठीक है, ऊपर आई बटन के अंदर आपको बीच बीच में कुछ अलग अलग से प्लेलिस्ट के नोटिफिकेशन आती रहेंगी, यदि आप डायरेक्ट वहाँ पर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। अब सी से लेकर ओ तक की डिस्टेंस हमने यार फॉर्मूला लगा दिया, हमें पता कि यार एक्स की हमने वैल्यू माइनस जू पुट करनी है, वाई की माइनस वी, और जेड की हमने माइनस डब्ल्यू करनी है, और नीचे हमारे पास अंडरूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है जो कि इस प्लेन के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, हमने सी ओ लगा दिया, अब सी ओ भी पता चल चुका है, सी पी भी पता चल चुका है, और ओ से लेकर पी हमारे पास आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर लाइन लिख दिया कि यार सिंस ट्रायंगल सी ओ पी इज राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारे पास पाइथागोरस तो होल्ड होगी कि सी पी से लेकर सी पी का स्केयर इज इक्वल टू सी ओ स्केयर प्लस ओ पी का स्केयर हमारे पास रहेगा। जी लाइन पता नहीं कहाँ से बीच में आ जाती है, ठीक है जी हमारे पास रहेगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, सी पी की वैल्यू हमारे पास सी से पी हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर होता है वो वैल्यू पुट कर दी, सी ओ की अभी अभी हमने फ्रेश फ्रेश वैल्यू निकाली, और ओ पी हमें आर दिया हुआ था जी निकाल दिया। अब यार इसके ऊपर वन वे स्टेप देखना, इस स्केयर के साथ मैंने अंडरूट पूरे को उड़ा दिया है तो जी हमारे पास जे बच जाएगा, इधर स्केयर के साथ अंदर वाले माइनस को कॉमन निकाल कर खत्म कर दिया तो ऊपर न्यूमिनेटर का अलग स्केयर कर दिया, डिनोमिनेटर के अंदर से मैंने स्केयर को निकाल दिया तो इतना हो गया। अब ये इसके बाद क्या करा हमने कि ये जो पूरे वाला फैक्टर ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हमने इधर लेकर गए राइट के अंदर, और डी को हमने लिख दिया आर स्केयर के साथ यहाँ पर लिख दिया, तो आर स्केयर प्लस डी एक तरफ हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये टर्म पहले बचेगी प्लस वाली है, और उसके बाद ये जो दूसरी तरफ गया था वो माइनस के अंदर आपको शो होगा इस फ्रे के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हम एलसीएम लेने वाले, तो इस पूरी ब्रैकेट को पहले मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई लगा दिया, करने के बाद मैंने इसको दूसरी तरफ सेंड कर दिया, तो दूसरी तरफ आएगा तो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा, इधर ब्रैकेट ओपन करने की कोई नीड नहीं है हमें। ठीक है, और जब आपका ये जो साइड है ना इस राइट हैंड साइड के साथ, अब आपका जो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर इसके साथ हमने एल स्क्वायर एम स्क्वायर को लगा रखा, जी देखो ये एक रखा ये दूसरा पहले से था, और माइनस इसका स्क्वायर, तब इन सभी को ओपन कर लो। बेस्ट तो लैग्रेंजियस आइडेंटिटी होती है जिसका आप डायरेक्ट रिजल्ट देते हो, लेकिन मेरे को वो एग्जाम में ज़्यादा नहीं आएगी तो मैं क्या करूँगा, ठीक है एज अ स्टूडेंट, तो मैं क्या करूँगा इसका खलारा डाल देंगे हम इसको, ठीक है पूरे को उखाड़ देंगे ब्रैकेट को। अब ब्रैकेट्स को निकालना है तो हमने ये जो ऊपर वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे एल स्क्वायर इसने तीनों के साथ लग गया, यू के साथ भी लग जाएगा, वी के साथ स्क्वायर भी लग जाएगा, और डब्ल्यू स्क्वायर के साथ भी लग जाएगा, फिर एम स्क्वायर भी तीनों के साथ लग जाएगा, फिर एन स्क्वायर भी तीनों के साथ लग गया, ये तो हमारी पहली वाली ब्रैकेट होगी। उसके बाद इसका मैंने होल स्क्वायर ओपन कर दिया बाहर माइनस, तो सारी की सारी टर्म माइनस की निकलेंगी, फर्स्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू ए सी। अब इनके अंदर से कुछ कॉमन निकला वो हम कट कर सकते हैं, जैसे एल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर है ना, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो कैंसिल कर सकते हो ना, हमारे पास कैंसिल कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास तीनों के तीनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा रिजल्ट जो, अब आप देखो जो आपको प्रूफ करना है, जो आपको प्रूफ करना है वो देखो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें कि यार हमारे पास कैसी बचेगी। इसके अंदर ना आपका जेज मान लो कैंसिल हो गया, जिसके साथ कैंसिल कर सकते हैं हम एल स्क्वायर और एम स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर वाला कैंसिल हो रहा है हमारे पास, ठीक है सॉरी स्टूडेंट कोल्ड होने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी चल रही है आजकल, ठीक है। और उसके बाद आपका एन स्क्वायर डबल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ कैंसिल होने के बाद कुछ आपके पास टर्म बच जाएंगे। अब यदि आपका रिजल्ट यहाँ से वो नहीं बन रहा जो हमें चाहिए, तो आप लोग एक स्मार्ट वर्क कर सकते हो, वो स्मार्ट वर्क क्या रहेगा हमारे पास कि वी वॉन्ट टू प्रूव दिस वन। अब आप हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू प्रूव दिस वन, यदि आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा,
इसके लिए हमारे पास क्या होगा यार, आप इन तीनों ब्रैकेट को ऊपर निकालो, साइड के ऊपर लेकर चलो, इनको साइड में लेकर चलेंगे मैं यहाँ पर। अब इस रिजल्ट को मैंने अभी कैंसिल कर भी दिया, लेकिन यदि हम कन्फ्यूज़ हैं, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप 1 मिनट के लिए स्किप करके रखो, ठीक है, कोई फर्क, हम वापस आएंगे इसके पास। हमें जो प्रूव करना है ना, वो हमारे पास कुछ ऐसा है कि यार हमें एम डब्ल्यू है माइनस एन बी की होल स्क्वायर है, हमारे पास एन यू माइनस एल डब्ल्यू की होल स्क्वायर है, हमारे पास एल बी और माइनस एम यू की होल स्क्वायर है। यदि हम इनको ओपन करेंगे तो हमारे पास एम स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 2 एम डब्ल्यू एन बी आ जाएगा, फिर एन स्क्वायर यू स्क्वायर एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 2 एन यू एल डब्ल्यू आ जाएगा, और प्लस एल स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 एल बी और एम यू आ जाएगा। अब देखो हमारे पास ऐसा कुछ बच तो रहा है, अब जो बच रहा है आपके पास, देखो इधर एक एक टर्म देखो, ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर है एम स्क्वायर यू स्क्वायर, देखो इसके अंदर आपको मिल रही है, देखो अब जिसके ऊपर मैं अभी रेड पेन के साथ, देखो आपको ये मेरे पास एल स्क्वायर बी स्क्वायर है, और एक मेरे को क्या चाहिए इसके साथ, एल स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ हमें चाहिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, एम स्क्वायर यू स्क्वायर, एम स्क्वायर यू स्क्वायर जे भी मेरे को मिल रहा है, तो एल बी एम यू एल बी एम यू, तो ये आपका पूरे का पूरा जे मिल गया, ये तीनों मिलकर आपका पहले वाला होल स्क्वायर फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब डियर अब कर सकते हो ना, जहाँ से मैं आपको भी छोड़ने वाला हूँ, तो आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब आपको तीनों मिल गए तो इसका मीनिंग आप इसको लिख सकते हो यार, आप इसको लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो एल वी माइनस एम यू की होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिया तीनों को। अब उसके बाद फिर से वापस चलते हैं, अब उसके बाद आपको और कौन चाहिए, एम स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर एन स्क्वायर बी स्क्वायर, एम स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर एन स्क्वायर बी स्क्वायर, ध्यान से देखना, एम स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर है और एन स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये आपको मिल गया, और ये आपका लास्ट में रहेगा एम डब्ल्यू और एन बी, इसका मीनिंग यार इनको मिलाएंगे तो ये भी हमारा एम डब्ल्यू माइनस एन बी की होल स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब ये मेरे हेड के ऊपर आ गया, देख लो एम स्क्वायर एम डब्ल्यू माइनस एन बी का होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। जो बच रही है तीन टर्म, अब ज़्यादा सोचने की जरूरत है क्या, कोई गुंजाइश बची है, नहीं है ना, तो लिख दो जो बच जाएगा आपके पास वो भी लिख दो, वो हमारे पास क्या बचेगा, जहाँ से बचेगा एन यू वाला और माइनस एल डब्ल्यू वाला होल स्क्वायर, तो हैंस प्रूफ, ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो कैसा लगा, यदि ये एग्जाम्पल आपको अच्छी लगे, गुड लगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा स्माइल करके दिखा दो, आप स्माइल मैं देखूंगा कैसे, कमेंट बॉक्स के अंदर जाना, अच्छे से इमोज आते हैं वहाँ पर, अच्छा सा इमोज एक आप सेंड कर सकते हो, ठीक है, कि सर मज़ा आ गया, पता चल गया कि यार ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, खिलारे पा दो डाल दो, कुछ बात नहीं, जो प्रूफ करना उसका भी खिलारा उसको भी ओपन कर दो, फिर देखो कि यार वो चीज़ें मिल रही है, यदि वो सब कुछ मिल रहा है तो आप बिना संकोच के उसको डायरेक्ट उस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, तो इसका मीनिंग लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज का सेशन कैसा रहा, जो 20 मिनट 22 मिनट की वीडियो रहेगी हमारे पास, ठीक है, लेक्चर अच्छा लग रहा है तो मज़ा आ रहा है आपको, तो आप प्लीज़ बता सकते हो साथ में वीडियो को, उसको जब कभी भी आप जब देखते हो तो पॉज करके आप उसको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो को आप आगे पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। लास्ट में एक बात है, खुश रहें बस, और मुझे भी खुश रहने का मौका दे, और मुझे खुशी कब मिलती है, जब आप इसको एक दो अच्छे फ्रेंड के साथ शेयर करके देखते हो, और जब आप कमेंट करते हैं कि सर बी एंड मतलब आई एंड माई फ्रेंड्स वॉचिंग योर लेक्चर्स, प्लीज़ आप कंटिन्यू करो इनको, मैं और मेरी क्लास आपके लेक्चर देखती हैं, और हमारा मतलब अब आप ही एक हो जिसके ऊपर हमें थोड़ी सी होप है, एंड जो आर टीचिंग गुड, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा यदि आप मेरी तारीफ़ करने की कोशिश कर रहे हो, उल्टा मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है, और मैं और कंटेंट लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे स्माइल के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, लास्ट में आपको एंड स्क्रीन के ऊपर कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ पर एक न्यू चैनल का है बटन, वो आप प्रेस कर सकते हो, लाइफ कोर्स पर कम होती निजर, अभी काम नहीं हो रहा लेकिन बहुत जल्द उसके ऊपर काम चलेगा, ठीक है। ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको न्यू वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आपको आई बटन ऊपर मिला होता है उसके ऊपर क्लिक करो, वहाँ पर भी आपको कुछ प्रीवियस एंड नेक्स्ट लेक्चर की जो लिंक है वो प्रोवाइड की जाती है, सो दैट कि आपके एफर्ट कम लगे, आप पढ़ना चाहते हो बस आपको मटेरियल मिलता चले जाए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।